मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, घर गिरने के कारण मलबे में दबे लोग। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद, 9 लोगों को फायर ब्रिगेड ने निकाला। राहत और बचाव का काम जारी, घायलों को भेजा गया अस्पताल। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में आग, लाखों का सामान खाक। करीब 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, काबू पाने में लगे 3 घंटे। बेतिया में जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे बीजेपी नेता संजय जायसवाल, गांव वालों का विरोध। पीड़ित परिवारों के मुताबिक लिफाफों में दिए 5,000 रुपए, लोगों का फूटा गुस्सा। गांव वालों के विरोध के बीच बचते बचाते निकले संजय जायसवाल, गाड़ी के सामने गांव वालों का हंगामा। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की गई जान। मरने वाले दोनों मजदूरी करते थे, परिवार के लोगों में मातम और गुस्सा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। गोपाल राय ने दिल्ली की खराब हवा के लिए पराली को बताया जिम्मेदार, कहा 400 जगहों पर पराली जलाने की रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर बड़ी बैठक, दोपहर 12 बजे गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, DDA और PWD की बुलाई मीटिंग। दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी जहरीली हवा से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 11 नवंबर तक ऐसी ही रहेगी हवा। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के इंजीनियर ने पराली जलाने में कमी का किया दावा, कहा पिछले साल की तुलना में 25% आई कमी। चेन्नई में भारी बारिश का दौर अभी जारी, 4 की मौत। तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। मेतर बांध से छोड़ा गया 5,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में खतरा, कराई गई मुनादी। बारिश के कारण चेन्नई से EMU होगी प्रभावित, रेलवे ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में अब तक सामान्य 43 फीसदी ज्यादा बारिश, 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश का अनुमान है।